टाइमिंग बरस है बारा वजुन पंचावन मिनटाच टाइमिंग अकरा वाजले जवर जवर अकरा हा सामना नंतर एक सामना आणि त्याच्यानंतर एक सामना दुसऱ्या राउंडचा सामना दुसऱ्या राउंडचा दुसरा सामना आणि त्याच्यानंतर दुसरे राउंड जिंकलेले त्याच्या दरम्यान सामना प्री क्वार्टर फायनल इंडी टीम के कप्तान चले बैट्समैन को भेजिए अंदर गो द ओपनर्स प्लीज गेट इन गुड टू एंड निखिल गुड टू एंड निखिल प्रशांत जाएगा चलिए प्रशांत जाएंगे लेकिन जल्दी जाओ भाई थोड़ा जल्दी प्रशांत और पुट्टू जल्दी करिए हरी अप गो फास्ट बारामती वॉरियर्स संघ आपले क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावून घ्यायचे ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। वो भी तंत्र शुद्ध। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हमारे टूर्नामेंट का बिल्कुल भी ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। पहले थोड़ा सा उनका भी यहां हम ऐसे ही और भी वीडियोस के श्री संतोष बाबू धोत्रे ग्राम पंचायत सदस्य करकम चैतन्य फर्नीचर्स यानी कि एसएन सिनेमा चैतन्य फर्नीचर्स और एसएन सिनेमा इदाते ब्रदर्स जगताप हॉस्पिटल डॉक्टर श्री पांडुरंग जगताप एडवोकेट श्री चंद्र शरद चंद्र पांडरे सरपंच करकम श्री रघुनाथ जाधव सो सेवानिवृत्त उपाध्यक्ष पोलीस श्री बाळवण्णा व्यवहारे ग्राम पंचायत सदस्य करकम राज मोबाइल शॉफी प्रोप्रायटर श्री राजू देशमुख कुणाल कंस्ट्रक्शन प्रोप्रायटर श्री सचिन अंकुश शिंदे जयवंत पेट्रोलियम प्रोप्रायटर काशिद बंधू श्री अभिजित कवडे सरपंच बारडी श्री राहुल दादा शिंगटे देवकते चाइल्ड क्लिनिक डॉक्टर श्री ओजस श्रीकांत देवकते श्री बंडू मोहन वंजारी दास ठिबक श्री महेंद्र बालकृष्ण शिंदे चले अंपायर साहब यहाँ कुछ चाय का प्याला बिल्कुल भी लिए आए हुए हैं। अब जाके ये मुकाबला स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली गेंद लेकर आएंगे गेंदबाज मिस्टर प्रदीप और सामने होंगे उनके प्रशांत वॉरियर्स बारामती वर्सेस इंडी 11 इंडी इनके दरमियान मुकाबला ये दूसरे राउंड का पहला मुकाबला मिड ऑन तक रन मिलेगा सिर्फ एक चलिए पहली रन स्कोर बोर्ड पे एक रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे मिस्टर प्रशांत पहला रन मिला पहली रन काफी अहम होती है। देखिए ये मैंने सचिन तेंदुलकर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में उनको पूछा था किसी पत्रकार ने सचिन साहब आप मैदान में जब जाते हैं तो सबसे पहली चीज आपको कौन सी इंपॉर्टेंट होती है सचिन साहब बोले पहला रन वो बोले क्यों भाई शून्य पे आउट होने का खतरा नहीं रहेगा ना तो पहली रन यहाँ पे निकाली है
और अब नाबाद नॉन स्ट्राइक की गेंद पर जियन बॉयज इंडी और वॉरियर्स यहां पे खतरा नॉन स्ट्राइक की गेंद पर ओ वापस आए मिस्टर प्रशांत खतरे में आ सकते थे प्रशांत बाल बाल बचे चलिए साथ इनके नसीब था और भूलना बिल्कुल भी अतीत है आगे चलना है लेकिन जान और धड़कने बड़ी होगी जान इस पर इस वक्त जो भाग रहे थे वापस तब कुछ अलग में थी अब जा रहे और अब फिर एक बार गलती फिर ओ जिसका रखवाला हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन फिर एक बार नसीब ने साथ दिया लेकिन वॉरियर्स बारामती भी इस तरह से कुछ कर सकती है जी हाँ भाई क्यों नहीं वो भी इंसान है आखिर हो जाती है गलतियां इंसान से लेकिन दूसरी बार चलिए गलतियां तो हुई विकेट मिलते मिलते दो बार रहा बचे बाल बाल बचे फिर एक बार धड़कने तेज हुए अब एक बार नहीं एक साइड से नहीं दोनों साइड से दोनों बल्लेबाजों की धड़कने तेज हुई होंगी थोड़ा सा पानी लेके गए कप्तान वैसे पानी तो बहाना है कुछ मैसेज देना है और भाई इतनी गड़बड़ी मत करो आराम से खेलो कुछ इस तरह सा हो गया होगा कुछ चर्चा लेकिन अब तक जो है केवल दो रन कुल स्कोर है प्रशांत और मिस्टर पुट्टू की जोड़ी है पुट्टू एक प्रशांत एक दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने खाते खोले हैं अकाउंट्स ओपन किए हैं देखिए यहाँ डीएन बॉयज इंडी को थोड़ा सा सूचना देना है डीएन बॉयज आप वहां से उठिए और थोड़ा सा पीछे जाइए वहां मत बैठिए अंदर क्योंकि कुछ यहाँ आर्गुमेंट हो सकती है थोड़ा सा पीछे आइए और पैरों में आपके जो है ना सप्लाई के लाइट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के वायर्स है उस पर भी ध्यान दे दो ओ इस बार नहीं बचे प्लेड ऑन हो गए स्टंप यहाँ बैट से बिल्कुल लगकर स्टंप पे और पहला झटका बोल्ड आउट हुए बल्लेबाज मिस्टर प्रशांत दो बार बचे तीसरी बार नहीं वैसे होता भी है दो बार माफ किया जाता है दो बार गलती लेकिन तीसरी बार नहीं होती कहीं भी माफ नहीं होती यहां पर भी ऐसा ही हुआ दो तीसरी बार नहीं बचे लेकिन बल्लेबाज है बिल्कुल अच्छे तालमेल की कमी नजर आई रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं है इंडी डीएन बॉयज मुश्किल में दो रनों पर पहली विकेट और प्रशांत की जगह लेने के लिए यहां कौन आए नए बल्लेबाज इरफान चले पिछले मैच में इरफान का तूफान हमने देखा था कुछ चौके छक्के छोटी सी नन्ही सी इनिंग्स लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इनिंग्स खुश रहेंगे यहां पर प्रदीप और कप्तान मिस्टर किशोरदा बहुत प्रशंसा करी उन्होंने अपनी टूर्नामेंट की अभी जो उनका छोटा सा हमने बाइट लिया था छोटा सा उनका जो इंटरव्यू लिया था स्टॉक के दरमियान टॉस के दरमियान बोले और दिल खोले उन्होंने हमारे टूर्नामेंट के लिए प्रशंसा के बिल्कुल लव्ज उन्होंने निकाले अपने मुंह से अच्छा लगा वैसे बहुत ही मेहनत की है इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए केसीसी करकम द्वारा करकम नगरी के और बाहर के भी बहुत सारे इनामदाता बख्शीशदाता इस टूर्नामेंट को बिल्कुल सजाए हुए है बहुत सारे इनामों से ओवर नंबर पहला पूरा हुआ है पहली ओवर के खेल के बाद एक विकेट के नुकसान पे 3 रन बने हैं विक्रांत तो आएंगे गेंदबाजी करने विक्रांत दुबले पतले शरीर के हैं लेकिन काफी तीखी गेंदबाजी करते हैं इस बार कुछ
लो फुल टॉस ऊपर मारने का प्रयास, ओ बहुत बड़ी गलती, क्या छूटा, चलिए दिल में दर्द उठा। अच्छा ट्राई लेकिन कहाँ जाएगा, लेकिन अगर ये क्या छोड़ने पर अगर बल्लेबाज ने यहां पर अगर मैच विनिंग पारी खेली तो मुश्किल होगी। पहली विकेट के नुकसान पर कुछ 3 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर भी 1 रन ऐड कर दीजिए माली सर, 4 रन टोटल है। क्या छोटा 1 रन बना है, लेकिन अब ये मिस्टर पुट्टू, चलिए खेल जारी है। ये गेंद फाइन थर्ड मैन बाउंड्री से पार, 22 और 4, 4+4 टोटल 8, 1 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद राजू सर। इस मैदान में चलती है गहमा गहमी शुरू है बारामती वॉरियर्स वर्सेस इंडी में। इस बीच विक्रांत अपनी अगली गेंद लेकर पुट्टू के लिए, पुट्टू एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने पिछले मैच में ताबड़तोब बल्लेबाजी की थी, फिर से एक बार उसी अंदाज में उठा दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। इसी के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। बारामती वॉरियर्स की तरफ से विक्रांत अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं, थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में, अब तक 9 रन खर्च किए हैं इन्होंने इस ओवर में 3 गेंदों पे। तो ये बारामती वॉरियर्स की तरफ से चल रहा हुआ दूसरा ओवर इस मैदान पर देखने को मिल रहा है। इस बीच इंडी का एक आक्रामक तेवर अपनाता हुआ बल्लेबाज पुट्टू, पिछली मैच में इस बल्लेबाज ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से फिर से एक बार उसी दिशा में खेल दिया है हवा में, देखना चाहते हैं क्या होता है। फिर एक बार 4 रन, अपनी अच्छी कला का प्रदर्शन करते हुए पुट्टू एक बार फिर अपनी फॉर्म में वापस आते हुए, इस बीच रन पहुंचे हैं 16 रन। अब कुछ अपनी स्कोर में इजाफा करते हुए पुट्टू खुद की और अपने टीम के स्कोर में इजाफा करते हुए पुट्टू, इस बल्लेबाज को अगर नहीं रोका जाता तो ये बारामती वॉरियर्स के लिए हार्मफुल रहेगा। फिर से एक बार हवा में घुमाने की कोशिश, लेकिन इस बार असफल हुए पुट्टू और एक ऑफ कटर जैसा गेंद। इस बार विक्रांत बैट्समैन को बीच करने में सफल हुए थे, देखते हैं अगली गेंद। फिर से एक बार फुल टॉस की गेंद, एक कैच छूटा है वहां पे, नहीं कैच पकड़ लिया, एक बेहतरीन कैच माना जाएगा इस टूर्नामेंट का, और एक बहुत बड़ी विकेट, बहुत महंगी विकेट इंडी टीम को लगता हुआ यह दूसरा झटका। पुट्टू आउट हुए, विक्रांत ने बहुत बढ़िया काम किया है अपनी टीम के लिए। पुट्टू एक आक्रामक बल्लेबाज जो इस मैदान में आतिशी पारी की वजह से पिछली मैच में जाना गया था, उसको आउट करने में सफलता मिला ही है विक्रांत ने अपनी टीम के लिए, अपने खुद के लिए एक बहुत बढ़िया विकेट। पुट्टू की जगह लेने के लिए मैदान में जा रहे हैं सचिन, सचिन द नेम ऑफ ब्लास्ट, हेयर इट इज द हिस्ट्री इन क्रिकेट फॉर सचिन, द गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर, द नेम इज बिलोंग्स टू हिम, एंड हेयर वी फाइंड द बैटल विद बारामती वॉरियर्स वर्सेस इंडी, एंड द स्कोर इज गोन आफ्टर 2 ओवर्स, 16 रन प्लेस्ड हियर बाय द इंडीज। ऑन द स्ट्राइक मिस्टर इरफान इज देयर, एंड द नॉन स्ट्राइकिंग एंड मिस्टर सचिन इज देयर।
And the third over is comes from to the Baramati Warriors, right pleasant ground. Pradeep is in his second over. अपनी खुद की दूसरी ओवर टीम के लिए तीसरी ओवर स्लोअर फुल टॉस बॉल डाली है यहाँ पे इरफान के लिए और आसान तरीके से एक रन लेते हुए 17 रन बनाते हुए इंडी की टीम कुछ जकड़ के लगा है इंडी के फलंदाजों को बारामती वॉरियर्स के गेंदबाजों ने तो एक सही चीज जाती हुई बारामती के लिए कि कुछ बहुत ज्यादा फिर से एक बार हवा में खेलने की कोशिश की थी मिड टर्म बॉल खेला है यहाँ पे सिंगल रन के लिए वहां पे फील्डर मौजूद है एक रन आसानी से पूरा होता हुआ इस बीच स्कोर में इजाफा 18 रन इंडी वॉरियर्स धीरे धीरे आगे जाते हुए एक एक रन से अपना इजाफा करते कर रहे हैं अपने अपने खुद के और टीम में इरफान का ये हाफ हैंडल शॉट खेल दिया हवा में 6 रन के लिए बहुत बढ़िया अपनी हाइट के हिसाब से बल्ला चलाते हुए ये बल्लेबाज 6 रन कमाता हुआ स्कोर इज हाइप ऑन टू द 24 रन्स बैट्समैन गेटिंग एडवांटेज ऑफ हिज हाइट ही फ्लिक द बॉल विथ हिज हाइट डायरेक्टली गो टू द 6 रन फ्रॉम द लेग साइड The next ball from Pradeep to Irfan. One more short pitch delivery to the Irfan, but this time he was not successful for the flick, but he get single. The now score is 25 runs. बारामती वॉरियर्स की तरफ से प्रदीप अगली गेंद लेकर जाएंगे सचिन के लिए एक बहुत बढ़िया गेंद इसको खेलने में असफल रहे सचिन एक डॉट बॉल जाता हुआ स्कोर में कोई इजाफा नहीं स्कोर 25 रन्स द थर्ड ओवर इज गोइंग टू रन Here is a big blast from the batsman. What a great hit was. What and six is this? What a great implementation of the shot. How exciting is this? What and gift for the crowd. What a great shot from the Sachin. At the name of magic, Mr. Sachin. Fifteen runs collected from this over by Mr. Irfan and Sachin for Indy team, and they are going to get total of 31 runs after 3 overs. The last 2 overs remaining in this year. Who's coming for bowling? Ganesh. Ganesh to Irfan. Irfan hit the ball for like side. The fielder is there. He getting single. 32 runs after 3.1 over. Ganesh was on the mark. Now he facing to Sachin. Sachin is ready for the Ganesh. We are going to search. What is happening in the ground on the next ball he is hitting on the gear he is hitting he has changed the gear and the catch is missed there the field is in hype 6 due to the missed field he get a 6 runs we get here 38 runs Indy team getting there. Sachin on fire. Mr. Sachin is on fire.
ही फेस टू गणेश ऑन थर्ड डिलीवरी वाइड, वाइड का इशारा मिला है अंपायर की तरफ से, तो इस कुछ छक्के की वजह से, पिछली दो गेंदों की वजह से अपनी रणनीति में कोई चेंजेस करते हुए यहां पे बारामती वॉरियर्स के गेंदबाज मिस्टर गणेश वन मोर वाइड कॉल फ्रॉम अंपायर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा रन्स फ्रॉम दिस ओवर Continuously two white ball is going in there. So Mr. Ganesh loses his patience due to the last six, due to the last misfield. Here the Sachin for Ganesh. One more big hit by Sachin. But the fielder is there. The field was good there. And the single is happened. So with this single, the score is going on to the 41 runs. Ganesh is for Irfan, the heighted player. He want to cut the ball, but there is no run for this click shot. Ganesh is getting very, very comfortable bowling in this markup area. So he returned in his over. Ganesh is on next delivery for Irfan. Irfan will ready. See for the big blast, but unfortunately he didn't connect. So the result was zero on this ball. Irfan didn't connect any delivery from last two. Now here we see the battle in between Irfan and Ganesh. One more shot with delivery, he played in the air, and what a big shot it was, what a straight delivery, punch it ball and the ball goes into the six. The ball was go out of the boundary. What a big shot it was, what a benefit by height. Forty-seven runs after four over, the over going to end. After the four over, the score will be 47. So indeed, team cover up their score. They are going on to the might level. They are going on to the respected level. They are getting fighting total here. एक फाइटिंग टोटल की तरफ जाती हुई इंडी की टीम दिखाई दे रही है. अभी ये आखिरी ओवर चल रहा है इस मैच का. देखेंगे इस ओवर में कितने रन इकट्ठा कर सकती है ये टीम. सचिन और इरफान इन दोनों ने एक सही वक्त पे गियर बदला है. हम देखेंगे यहां पे कितने और रन जमा कर सकती है ये टीम. अब देखेंगे लास्ट ओवर कौन लेकर आया है. नीलेश एक ओवर पिच और थोड़ा सा वाइड यॉर्कर गेंद यहां पे मिस होता हुआ. और ये दूसरी गेंद इसे प्लेस कर दिया है. व्हाट एन ग्रेट हिट इट इज, व्हाट अ बिग हिट इज दिस, एक्सलेंट शॉट बाय द सचिन, द नेम ऑफ मैजिक मिस्टर सचिन, ही इज ऑन फायर. Six runs from the second delivery of last over. त्रिपन रन हुए इस आखिरी ओवर में. आखिरी ओवर चल रहा है अभी तो 53 रन इकट्ठा कर. शेवटच्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर षटकारानंतर हा तिसरा चेंडू आणि हा उत्कृष्ट फटका पाहुयात. फिर से एक बार गेंद गई है बाहर छह रन के लिए.
तो इस छह के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 59 रन फटका सहारनंद साठी। पाहुयात आणखी तीन चेंडू उर्वरित शेवटच्या षटकातील। एनडी टीम ने एक सही समय पे अपना गियर बदला है। इंडी टीम ने एक सही समय पे अपना गियर बदला है। वो टीम जो कि पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। फिर से एक बार फुल टॉस हिट किया है ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। चौथा चेंडू ही सीमा रेषे पार सहारना। सलग 3 षटकार मारण्याचा कारनामा या खेळाडू ने केला। मी मागासीच म्हटलं होतं सचिन या नावामध्ये एक वेगळी जादू आहे। क्रिकेटच्या मैदानावर सचिन नावाचं जे वादळ मैदानामध्ये उतरणार आहे आणि त्याचा धमाका आपण पाहतोय। सलग 3 षटकार सचिनने मारलेले आहेत। नवीन बॉल द्यायचा आहे, रिप्लेसचा चेंडू द्यायचा आहे। अगदी शेवटच्या षटकामधला हा थरार आपल्याला या मैदानावर पाहायला मिळतोय। द थंडर स्ट्रॉम फ्रॉम द लास्ट ओव्हर। लास्ट ओव्हर कशी असते, इंडीच्या खेळाडूंनी बदललेला गिअर आपण पाहू शकतो। सलग 3 षटकार मारण्यात यशस्वी ठरलेला आहे सचिन। इंडीकडून एक आक्रमक फटकेबाजी करत असताना हा खेळाडू। शेवटचा परत एक आक्रमक फटका असा या खेळाडूकडून खेळला गेलेला आहे। चेंडू 4 धावांसाठी। ये अतिशय महागडा बारामती वॉरियर साठी ठरलेलं आहे षटक। पुन्हा एकदा सचिननं 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि तिथे मिसफील्ड झालेली आहे आणि 2 धावा यशस्वी झालेल्या आहेत आणि याच 2 धावेसोबत धावसंख्या पोहोचतीये 71 धावा। 5 षटक संपलेले आहेत। तब्बल 71 धावा जमवण्यामध्ये यशस्वी ठरलेला इंडीचा संघ। तो अभी बारामती वॉरियर्स के लिए 72 रनों की जरूरत होगी जीतने के लिए, तो ये आसान भी नहीं रहेगा। अंतिम 4 बॉलों पे 24 रन कमाए हैं सचिन ने, तो एक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। जो कारनामा पिछली मैच में पुट्टू ने किया था उसी तरीके का सेम परफॉर्मेंस दिया है इस मैच में सचिन ने। तो यानंतरचे जे सामने होणार आहेत त्या सामन्याच्या दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे, त्यांनी नाणेफेक करण्यासाठी या मंचाकडे यायचंय। जी एस हराळवाडी आणि यश कंट्रक्शन फलटण या दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे, त्यांनी समालोचन कक्षाकडे यायचंय। थोडस ड्यूचा इफेक्ट या मैदानावर आपण पाहू शकतो, थोडा हवेमध्ये ड्यू पसरलेला आपण दिसतोय आणि त्या धुरामुळे तो अजूनच जास्तीचा क्लिअर दिसतोय। आणि यानंतरचं धावतं समालोचन करण्याची विनंती मी राजू वाघमारे सरांना करतो, त्यांनी आपला चार्ज घ्यायचा आहे। तर अगदी जसं धावतं समालोचन करतात तसंच धावतं धावतंच त्यांनी थोडासा अल्पोपहार घेतलेला आहे आणि परत एकदा ते आपल्या फील्डवर येणार आहेत।
इंडी टीम के लिए एक सजेशन है कि वो अपनी खुद की फील्डिंग इमीडिएटली लगा लीजिए क्योंकि अभी और दो मैचेस होने बाकी है. सो वी हार्डली रिक्वेस्ट टू इंडी टीम, प्लीज बी सेट योर फील्ड विद इन मिनिट. बारामती वॉरियर संघाला विनंती आपली आघाडीची फलंदाजी जोडी मैदानात पाठवायची आहे. बघूयात बारामती संघाकडून आघाडीची कोणती जोडी मैदानात येते. एनडी संघाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज तयार होतोय. राम राम इंडी की तरफ से राम गेंदबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए. पहला ओवर करेंगे राम, जो पिछली मैच में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी की है. बारामती की तरफ से दो बल्लेबाज अंदर जाते हुए. हे बाब, पुढच्या सामन्याचा आपल्याला टॉस घ्यायचा आहे. पुढचा सामना आहे तो जीएस 11 हरणवाडी मोहोळ विरुद्ध एस कन्स्ट्रक्शन फलटण. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी संघ नायकांना विनंती असेल आपण टॉस घेऊया. दरम्यान बहात्तर धावा जिंकायचं आव्हान आहे, त्याचा पाठलाग आता सुरू होईल इंडी संघाकडून. मात्र गोलंदाजी बारामतीकरांना या ठिकाणी पहिली धाव. सध्या मात्र बॅटिंग ओपनिंग जोड मात्र निखिल आणि सागर. वाईट कॉल पंचांकडून सौरभ धोत्रे आणि प्रसाद मोहिते. केसीसीची मात्र नक्कीच ही युवा फळी आणि युवा फळीचे कार्यकर्ते सौरभ धोत्रे, प्रसाद मोहिते, रोहित धोत्रे. हवेत असलेला चेंडू मात्र अलगद झेलला, टिपला, फलंदाज बाद झाला. बाद झालेले फलंदाज मात्र सागर. मोठी विकेट आणि स्वस्तात मात्र बाद सागर. मागच्या सामन्यात सुद्धा सागर विशेष काही करू नाही शकले, शून्यावरती बाद. मात्र एकूण धावा एक असताना इथं मात्र दोन आहेत का? लिहा लिहा, कसं होतंय लिहिल्यानंतरच मला दिसतंय. एक वाईड आणि एक सिंगल अशा दोन धावा. तर दरम्यान पुन्हा एकदा केसीसीचे सर्व कार्यकर्ते आमचे माननीय संजय मोहिते, रोहित धोत्रे, रियाज भाई बागवान, कन्हैया काळे, लखन धोत्रे, दरम्यान केरवा पवार, बंडू धोत्रे, संजय म खडके म्हणजेच मास्टर ब्लास्टर. आणि संजय धोत्रे, सुनील मोहिते, सुनील धोत्रे, महेंद्र पवार, विजय मोहिते, नात्याबा मोहिते, परमेश्वर धोत्रे आणि
सर्वांचे मात्र मार्गदर्शक आणि युवा नेते माननीय नेते अभिषेक भैया पूर्वत, तर युवा कार्यकर्ते सौरभ धोत्रे, प्रसाद मोहिते, मिस्टर रोहित धोत्रे सुद्धा, गुड बॉलिंग मिस्टर कैप्टन, किशोर दलवे ऑन स्ट्राइक, राम राम चा मात्र हा चेंडू किशोर दलवेंच्या बॅट मधून मिड विकेटच्या वरून कडक प्रहार षटकार केसीसी करकम आयोजित, केसीसी चषक 2022 करकम षटकार मिस्टर किशोर दलवे, व्हाट अ शॉट दैट इज, सूर्या यादव काइंड ऑफ अ शॉट, हार्दिक पांड्या टिपिकल शॉट, सिक्स रन्स ओवर मिड विकेट, टिलू साहब आगे, चलिए अच्छा लगा, लेकिन यहां पर जी एस 11 मोहोल के कप्तान, हरारवाड़ी के कप्तान आइए, डॉर बॉल लखन गावडे, लखन गावडे जी एस 11 कैप्टन, चला चलिए आपसे भी पूछेंगे, माइक पर पूछेंगे, मिस्टर टिल्लू चौधरी कैप्टन ऑफ फुलटन, आठ धावा पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर आणि एक विकेट, दशरथ सरळ हातात, बारामती संघाला मात्र आणखी एक धक्का, फलंदाज निखिलच्या स्वरूपात, पुट्टू अप्रतिम कॅच, वाइड इज लॉंग ऑन सीमारेषेवरती, वन मोर विकेट हॅज बीन गॉन इन फॉर्म ऑफ निखिल, इट्स एट, लॉस ऑफ टू विकेट्स, 72 धावाचा वन आहे, 8 धावा धावफलकावरती आहेत, 8 धावांनी 19 मात्र षटक क्रमांक दुसरं चाललंय, दशरथ दशरथ धोत्रे, गुड बॉलिंग, गुड स्टार्ट ऑफ सेकेंड ओवर, लुकिंग व्हेरी स्ट्रॉंग ऑन इज very first delivery, gets a wicket of Mr. Nikhil, the opener who pays the first delivery, Warriors second wicket has been down, Kishor Lave is waqt thoda bilkul bhi gehri soch mein honge, apne khiladiyon ko samjha rahe hai ki kya aur kis tarah se khelna hai hame, yahan par haar kar baat banegi nahi, Baramati बारामती भी कुछ 100 प्लस किलोमीटर है यहां से दूर है, 150 किलोमीटर और ये 100 किलोमीटर के दरमियान आई हुई टीमें हैं, लंबी दूरी से आई हुई टीमें और यहां पर एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी आजमाते हुए अपने आप को, और लेग स्टिक पर ये गेंद कुछ फ्लिक किया लेकिन उतना बेहतरीन नहीं है, कुछ गेंद जो है एक रन के लिए, 9 रन टोटल, 2 विकेटों के नुकसान पर, 9 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, जीत का लक्ष्य बहुत दूर है लेकिन
एक ही गेंद में ये लक्ष्य नहीं पार कर सकोगे, आपको कुछ इंतजार करना होगा, संयम बरतना होगा और खराब गेंदों पर प्रहार करने होंगे। बल्लेबाजों के लिए स्ट्रैटेजी, ये मिली खराब गेंद, चलिए खराब गेंद पे यहां खरा शॉट और छह रन स्क्वायर लेग के ऊपर किशोर लवे कप्तान है और दूसरा छक्का इनके बल्ले से। चलिए बारामती के हल्ले, टोटल यहां जो छक्का मिला है उसको मिलाकर टोटल स्कोर हो रहा है बिल्कुल भी 15 रन और गेंद नहीं आ रही है। पंद्रह धावा धौपल करती जिंकायचे टार्गेट मात्र 72 किशोर द लवे द कैप्टन। पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, कुछ छोटा सा एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, बिल्कुल भी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे और फोर व्हीलर को ये छोटा सा एक्सीडेंट उन्हें अनुभव हुआ, लेकिन वहां से उभरे। चलिए उन्होंने कहा था बस आपकी दुआ थी इसलिए बड़े संकट से दूर रहे हम, लेकिन क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहे थे उस छोटे से एक्सीडेंट के कारण। उसके बाद फिर वापसी की उन्होंने, अपने टीम को भी फिर उन्होंने एकत्रित किया और फिर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अब खेलते जा रहे और बड़े बड़े आखिरी पिछले साल का आखिरी टूर्नामेंट भी उन्होंने खेला था, उस पर कुछ तीसरे नंबर पर रहे थे ये और नगर में जाम कोकनगांव नगरी में कोकनगांव में यहां ये डॉट बॉल डॉट बॉल रही यहां किशोर दालवे। लेकिन फिर एक बार क्रिकेट से जुड़े हैं, फिर एक बार क्रिकेट जो कि हम सबकी जान है वैसे इनकी भी जान है और ये जान बिल्कुल इनसे जुड़े हैं, इस जान से जुड़े हैं ये खिलाड़ी। ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, ओम रन आउट का खतरा और ये आउट, गलत कॉल, गलत वक्त पे ये बड़ी गलती, कैप्टन किशोर लवे नहीं आना चाहिए था इस रन के लिए, जो कि नहीं था वहां पे, क्विक फील्डर था काफी आके था और सीधा उनके पास गया और वहां पर ये डेंजर एंड पे भाग रहे तो ना कह सकते थे, नहीं आ सकते थे, हालांकि कॉल इन्होंने स्वीकार किया था, शॉट के साथ ही दौड़ पड़े थे, उसका पूरा इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत बड़ा विकेट ये कप्तान का विकेट, चले लीडर गए तो भाई यहां जनता का क्या होगा। कुल जो है टोटल 15 रन है, चार गेंदों का इस ओवर में खेल पूरा हुआ है। इंडी की टीम काफी तगड़ी है और वैसे भी वॉरियर्स भी काफी खतरनाक टीम है। संजय धोत्रे साहब, संजय खड़के साहब यहां पर, ऐसे गेंद कितनी चार हुई है, कितनी पांच हुई है, पांच पांच गेंदें हुई है, टोटल 15 रन, पांच गेंदें यहां। अरे दोनों कप्तान आ रहे, दोनों कप्तान आए इंडी, सॉरी ये फल्टन वर्सेस हरालवाड़ी जीएस 11 यश कंस्ट्रक्शन। अब यहां दो ओवर का खेल पूरा हुआ है, दो ओवर के खेल के बाद तीन विकेट के नुकसान पे 15 रन है। संजय जी मोहिते साहब यहां पर टॉस करना है, टॉस यहां पर हम नेते के हाथों, मी अभिषेक भाई विनंती करतो कि अपन टॉस साठी समालोचन कक्ष दिया प्लीज। मध्यरात्रीचा सामना आणि मध्यरात्रीचा टॉस, चला कॅप्टन या वरती, बॉलर कॅप्टन जी एस 11
नो बॉल आया है, चलिए रन कुछ दौड़ रहे दोनों बल्लेबाज, पीछे भी अच्छी बैटिंग है इस टीम के पास। नो बॉल, चलिए नो बॉल का कारण क्या है थोड़ा सा हम, नो बॉल और ये पंचाशी कुठल्या निर्णयाच्या विरुद्ध कोणाला बोलता येणार नाही, अंपायर के अंपायर के डिसीजन के अगेंस्ट कोई आर्ग्युमेंट नहीं होगा। चलिए नो आर्ग्युमेंट्स, पेनल्टी 5 रनों की रहेगी, 5 रन पेनल्टी रहेगी, नो आर्ग्युमेंट्स अगेंस्ट अंपायर डिसीजन। हाँ जी अंपायर, अंपायर जो है नो बॉल दिए है सर, नो बॉल है जी। क्या आपको रिव्यू चाहिए, क्या आपको रिव्यू चाहिए? चलिए रिव्यू लिया है अंपायर ने, अंपायर रिव्यू चाहते हैं, आइए देखिए। देखिए जो अंपायर ने जज किया वो फाइनल रहिएगा, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर देखेंगे, थर्ड अंपायर देखेंगे, थर्ड अंपायर देखेंगे। चलिए रिव्यू लिया अंपायर ने, सोलापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन अंपायर पॅनलचे दोन्ही अंपायर आहेत आणि मिस्टर कुलकर्णी तर मात्र अंपायरच्या दुनियेतील, अंपायरच्या दुनियेतील मात्र हे आजोबा आहेत, ग्रँड फादर मिस्टर प्रवीण कुलकर्णी, बहुत बुजुर्ग अंपायर आहे। चला पंचाचा निर्णय फाइनल असेल, नो बॉल दिलेला आहे, नो बॉल नंतरचा खेळ चालू करा, फ्री हिट असेल पुढचा चेंडू। पंचाचा निर्णय फाइनल, नो नो आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट द अंपायर डिसिजन आणि खेळ पुढे चालू करा आणि लवकरात लवकर चालू करा। इंडिकर डीएन बॉयज, चला लवकर डीएन बॉयज लवकर उरका, पटकन आपापल्या फिल्डिंग प्लेसकडे जा डीएन बॉयज, आणि या ठिकाणी सामना पुढचा चेंडू आणि नोबॉल ज्या गोलंदाजाने टाकलाय त्यांना पुढील, मात्र हे षटक टाकता येणार नाही, बदली गोलंदाज हे षटक टाकेल। कॅप्टन सिद्धू साहब यहा पे सम्मान करेंगे,
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। या ठिकाणी दिलेला आहे तो फाइनल असेल, इट्स अ नो बॉल आणि तो थ्रोचा नो बॉल असेल। आपल्याला या ठिकाणी पंचाच्या निर्णयाचा सन्मान करायला लागेल आणि त्यानुसार आपल्याला खेळावे लागेल। चला कॅप्टन सिद्धू आपण या ठिकाणी उर्वरित सामना पुढे स्टार्ट करूया, पुढे खेळूया। या ठिकाणी पंच रूल बघणार, रूलच्या नुसार खेळणार। पंच कोणाचे दुश्मन नाहीत आणि नसणार आहेत। पंचांना हा पंचांना या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे कुणासोबत कसल्या पद्धतीचं वैर नसतं। जे काय आहे ते पंच रूल बघणार आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी तुम्हाला जज करणार। अभी देखिए अंपायर ने जो आपको डिसीजन दिया है वो बिल्कुल भी उसका सम्मान करना होगा और आगे का खेल जो है। चलिए, जो रूल बताता है उसके हिसाब से तो उन्होंने जजमेंट किया होगा। सिद्धू साहब, रूल जो बता रहा है उसके हिसाब से उन्होंने दिया होगा।
एक धाव घेतलेले असे चार रन ऍड करायचे आणि येणारा चेंडू जो दुसरा गोलंदाज घेऊन येणार आहे बदली तो फ्री हिटचा चेंडू घेऊन येणार आहे. कोण येते बदली गोलंदाज बघूया. बदली गेंदबाज कोण आहे बदली गेंदबाज दरू दर्याप्पा. एकोणीस धावा सध्या धावपळकावरती फ्री हिट आहे दर्याप्पा गोलंदाजीला आणि दरम्यान शरद स्ट्राईक वर इथं चेंडू फ्री हिटचा फायदा उचलता आला नाही. मिस्टर शरद लेग बायस करार डॉट बॉल आया है. एक रन आया है डॉट नहीं है ये. देखा करो प्रसाद साहब. तीन गडी बाद आणि 20 अशी धाव संख्या जिंकायचं टार्गेट आहे 72 धावाच. क्या ये डाउन द लेग है ये भी. जी हा है और अंपायर का करार वाइड बॉल का आया. 21 रन टोटल है 72 रनों का टारगेट दिया है इंडी टीम ने वॉरियर्स बारामती टीम को. स्क्वायर लेग की तरफ उठाया बहुत जबरदस्त तरीके से ये शॉट लगाया 6 रन अर्जित किया 27 रन 27 रन टोटल स्कोर है अभी इसके 27 में जो आंकड़े है 2 और 7 इसको उल्टा करना है वो टारगेट है 7 और 2 72 72 मिड विकेटला चेंडू आहे झेल होईल का येस कॅच. इथं मात्र फलंदाज बाद झाले ते रामा ना रामाबाद रामाच्या स्वरूपात मात्र किशोर लवे यांच्या टीमला हा धक्का 27 धावा धावपळकावरती. पंचेचाळीस धावांची गरज आहे आणि चेंडू म्हणाल तर 15 चेंडू 45 समीकरण. इथं मात्र सामन्याचं नवीन गोलंदाज नवीन फलंदाज कोण येते बघूया. निलेश शरद शरद आणि निलेशची जोडी चेंडू मात्र कैसा माघार याला पळून धावा घ्याव्या लागतील. 2 धावांनी धावसंख्या वाढेल ती मात्र 29 याच्यानंतर सामना क्रमांक मात्र दुसरा असेल तो दुसऱ्या राऊंडचा. जी एस सरळवाडी विरुद्ध एस कन्स्ट्रक्शन्स फॉल्टन
या दोन्ही कॅप्टन टॉसला या. सुरेख प्रहार आहे, डीप कवार, चेंडू मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आवडला अडवलंय आणि फिल्डिंग सुद्धा सर्वांना आवडलंय. निखिल मात्र बाद झालेला पहिला फलंदाज, तर प्रशांत यष्टीरक्षक. एकूण धावसंख्या झाली प्रसाद 31-31, जिंकायसाठी अजून 41 धावांची गरज. 41 रन्स नीड टू विन. आणि 13 चेंडू हवेत, उंचटोला लांब गेला, खूप लांब गेला, षटकार आहे का पाहूया. चेंडू अडवलाय, गुड फिल्डिंग मात्र अद्याप. ओ ये क्या हो रहा है भाई, फिसल रहे, ऐसा लग रहा है कुछ दव गिर रहा है, ड्यू आ रहा है, गिरा कुछ ये घास के ऊपर जो है पूरा ड्यू आ रहा है. ओवर नंबर ये तीसरा कंप्लीट हुआ, तीन ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 33 और अब जीत के लिए 12 गेंदों में बारा चेंडू 39 धावा इथं मात्र गरजेच्या. चला टॉस करूया नितीनच्या शुभस्ते पण आता या GS11 कॅप्टन या, GS11 कॅप्टन या आणि त्याचबरोबर कॅप्टन ऑफ एस कन्स्ट्रक्शन फलटन या. टिलू भाई आइए, जल्दी आइए. टिलू चौधरी द कॅप्टन ऑफ एस कन्स्ट्रक्शन फलटन GS11 कॅप्टन, वेलकम. नेत्यांच्या शुभस्ते हा टॉस होईल. नेत्यांच्या शुभस्ते या सामन्याचा टॉस. कोण बोलतोय, बोलू द्या टिल्लू ना, बोलू द्या. चला टॉस जिंकलेले GS11 हरळवाडी. तर पहिल्यांदा काय करूया 5 षटकाच्या सामन्यात, क्षेत्ररक्षण करणार आहे, फिल्डिंग करायचा विचार असेल. यश कन्स्ट्रक्शन म्हणजे आता सोलापूर विरुद्ध सातारा अशी लढाई आहे, या संघाला किती धावत रोखायचा विचार आहे? 50 धावाच्या आसपास. मग अशी सुद्धा पाहिलं बॅटिंग आणि बॉलिंग या संघाकडे काहीशी चांगल्या दर्जाचे आहे. आपल्या संघाबद्दल काय सांगाल? आमचा पण संघ चांगला आहे, आम्ही प्रयत्न करू त्याला कमीत कमी रोख. मोहोळ तालुक्यातून कोणी स्टार कोण नाही, संतोष आहे आमच्याकडे, संतोष नलवडे. नक्कीच या ठिकाणी चांगला प्रयत्न या सामन्याला जिंकायचा तुमच्याकडून होईल आणि त्यात यश मिळेल अशी अपेक्षा करूया. गुड लक. कॅप्टन GS11 टॉस जिंकून पहिल्यांदा गोलंदाजी करायचा विचार आहे, तर तुम्हाला मात्र फलंदाजीला आमंत्रण दिले, तर तुमचं काय मत आहे, किती धावा लावायचा प्रयत्न असेल? सर्वप्रथम मी या स्पर्धेतील जे ऑर्गनायझर आहेत सगळी कमिटी त्यांचं धन्यवाद देतो की त्यांनी एवढी चांगली टुर्नामेंट इथं आयोजित केली आणि अशा प्रकारचं ग्राउंड आणि अशी टुर्नामेंट या भागात तर मी म्हणतोय पहिल्यांदाच मी बघतोय खेळतोय असं. मी इथं पेनूरला पण खेळलो चांगले, पण ही एक नंबर टुर्नामेंट आहे आणि त्यांचा धन्यवाद देतो. तसेच आमच्या संघाचे संघ मालक गाडगे साहेब त्यांचं बी अभिनंदन करतो की त्यांना या टीम टाकली एवढ्या लांब आणि टॉस जिंकला असतो तरी प्रथम फलंदाजीच केली असते आता, कारण की हां मगाच्यासारखी, कारण की गोलंदाजांची स्ट्रेंथ थोडी चांगली आहे. थँक्यू. ठीक आहे, तुम्हाला पण खूप शुभेच्छा या सामन्यासाठी कॅप्टन मिस्टर टिल्लू चौधरी. हॅलो. चला जाऊया सामन्याकडे. मॅच बॉल दरम्यान आता षटक क्रमांक मात्र HMT च
नक्कीच एचएमटी कडून चौथं चालू झालं या इनिंगचं आणि धावा मात्र झालेले आहेत 39. तर 11 चेंडू आणि 33 धावा असं समीकरण या सामन्याचं. 11-33 प्रत्येक चेंडूवर 3 गरज. 3 रन्स ऑन ईच डिलिव्हरी, 3 रन्स पर डिलिव्हरी. एचएमटी नुकताच वाढदिवस ज्याचा साजरा केला आपण असा खेळाडू शरद. ओ शरद साठी मात्र पंचांचं बोट ते खतरनाक. हवेत उठलं, काळजात धस झालं, परंतु आता माघारी जावं लागलं, माघारी जावं लागलं. नक्कीच धक्का क्रमांक हा 19 शरद. शरद काही हाणामारी करत असताना अशा पद्धतीनं बाद व्हावं लागलं आणि नक्कीच पुन्हा संघ वॉरियर्स बारामती बॅकफुटवर. बघूया तसं पाहिलं तर पिक्चर अभी बाकी आहे. क्रिकेट आहे, क्रिकेट आणि शेतीचा खेळ आहे. थर्टी थ्री मोर. चौथं षटक आता 10 आणि 33 बघूया. इंडी की बारामती कोण जिंकेल भावा. बराचसा मात्र इंडीच्या बाजूने झुकलेला सामना आहे. गोलंदाज मिस्टर एचएमटी बड्डे बॉय हनुमा जवळचे दिसत आहेत हनुमंतच्या एचएमटीच्या. लांबून शुभेच्छा या लागलेल्या आहेत. हॅपी बर्थडे टू यू. मित्राच्या शुभेच्छा आल्या, अगदी मध्यरात्री आल्या, मैदानात आल्या, सर्वांना ऐकू आल्या. हा चेंडू हो मिड विकेटच्या दिशेला उंच चेंडू गेला. परत एक फलंदाज बाद. एचएमटी आणि एचएमटीला मारली मिठी. हॅट्रिक वरती मात्र आता एचएमटी. दरम्यान धक्का क्रमांक 6 9 आणि 33 9 33. चलिए बर्थडे बॉय का सेलिब्रेशन बिल्कुल भी यहां विकेट लेके. जी हैप्पी बर्थडे. वैसे केक भी काटा है कल था. अच्छा कल था, लेकिन अभी अभी सेलिब्रेट किया है ना अभी अभी. वैसे बर्थडे तो बिल्कुल वो महीने में कभी भी मना सकते हैं. नए बल्लेबाज कौन आए. हनुमान चेमत्र अनेक जिवाळेचे विजापूरकर दिसत आहेत का. करकमकर आहेत. करकमकर क्या बात है. हनुमंतला मात्र सपोर्ट चाललेला आहे. हनुमंत छोटी मूर्ती मोठी कीर्ती. नवीन फलंदाज कोण आहे ते जरा सांगूया. चेतन ओ सुरेख प्रहार आहे स्क्वेअर लेग. वाईट कॉल. एक धाव अजून. एकूण धाव संख्या झालेली आहे 3 मात्र या ठिकाणी 41. जिंकायचं टार्गेट एवा शेकोट्या केलेल्या आहेत, परंतु वायर जवळ वगैरे तिथं शेकोट्या करू नका. वायर जवळ एखादी वायर जळल बरासा अनर्थ होईल. कादर भाई, कादर भाई आपण ते शेकोटी वगैरे जी केलेली आहे ती वायर पासून दूर करा पलीकडच्या बाजूला, नाहीतर तिथं वायरिंग आहे इलेक्ट्रिसिटीचं, विजेचं, लाईटचं. दिलेला आहे का. जाऊया मैदानात. खेळ चाललाय, जोरदार खेळ चाललेला आहे. सध्या 43 डॉट बॉल आलेला. षटक संपले. आता 6 चेंडू मध्ये जिंकायला किती हव्यात पाहूया.
29 करावे लागतील बहुधा. 6 चेंडू 29 षटकारावरती षटकार मारावे लागतील. आता 6 चेंडू 30 5 चेंडू 30 बऱ्याच झाले. इट्स 43 23 आर बॉल आर सतत हल्ली ठीक नाही एवढ्यात लगे इतकं येणार नाही. नवीन विद्यार्थी दरम्यान 12 चेंडू आणि जिंकायला 29 सॉरी 6 चेंडू आणि 29 धावा. 6 चेंडू 29 धावा बघूया. ऑन साइडला मारायचा प्रयत्न चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण दरो दर्याप्पा. तर 6 चेंडू पैकी इथं मात्र एक चेंडू टाकून झाला त्याच्यावर एक धाव झाले. 5 चेंडू आणि 28 5 चेंडू 28 तर पहा 4 षटकार आणि एक चौकाराची गरज. 4 चेंडू 28 उंचिटोलाय हातात ओ सुटला जेल सुटला. तर पहा 2 चेंडू 2 सिंगल निघाल्या. 29 वजा 2 म्हणजे 27 हव्या आणि 4 चेंडू 27. आता 4 चेंडूवरती 4च्या 4 षटकार गेले तर साई चौक 24 वरच्या 3च काय बघतील बॅट्समन आपल्याला काय बघतील बॅट्समन. दरम्यान मात्र आता स्ट्राइकिंग एंड वरती फलंदाज आहेत चेतन. डॉट बॉल नहीं होना है आप वॉरियर्स बारामती इथं मात्र अगदी या सामन्यातून काहीस बाहेर. 3 चेंडू 27 खूपच मुश्किली नाही नामंकिनच अगदी नामंकिन हा वेद. चला फॉर्मॅलिटीज राहिली. 2 चेंडू 26 प्रत्येक चेंडूर 13 एका चेंडूर 13चा फटका काही क्रिकेटमध्ये अद्याप तरी नाही. मग दावा बनवणार कशा खूप अवघड. चला अशक्य अशक्य. बड्डे बॉय काफी खुश है. 2-3 विकटे इन्होंने लिए है. केक काटने का बहुत सारा फायदा मिला है. बड्डे बॉय कोई चाय चाहिए या हमें यहाँ वो बोलते अभी होटल बंद हुए और मेरा घर तो बहुत दूर है आप ही बनाओ लेके आओ. लंग ऑफ चार सिंगल्स 5 गेंदों पर. चले 29-4 तो 25 और गेंदे एक गेंद पे 25 वाला शॉट नहीं है क्रिकेट में तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा एक गेंद पर 6 बना सकते हैं आप छक्का लगाकर. जब लीगल डिलीवरी होती है तो किशोर लवे की ये टीम यहां पर बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और दूसरे राउंड में ये हार हुई. कॉन्ग्रेचुलेशन इंडी. और बारामती किशोरदा अपन आलात मोठ्या उत्साहाने आपला संघ या ठिकाणी नोंदवला. आमच्या स्पर्धेची मात्र तुमच्या नक्की सहभागाने आमची शोभा वाढवली स्पर्धेची. पुढच्या वर्षी सुद्धा तुम्ही असंच आमच्या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हाल आणि आम्हाला मात्र नक्कीच आमच्या स्पर्धेला नक्कीच याच्यातून मोठा प्रतिसाद द्याल अशी खात्री बाळगून या ठिकाणी मात्र आता आपण निरोप घेऊया. नक्कीच थँक्यू सो मच. तुमचे खूप खूप धन्यवाद. वॉर इज बारामती. थँक्स अ लॉट. चला क्षेत्ररक्षण लावूया. जीएस 11 आणि फलटण याच्यामधील विजेत्या संघाबरोबर सामना खेळायचे. इंडी डीएन इलेवन इंडी आपको जो है अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाले मैच में जो विजेता रहेगी उसके खिलाफ
आपको डी एंड इंडी को खेलना है, ये ध्यान में रखे, कुछ प्री क्वार्टर फाइनल का मैच रहेगा। जीएस